हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। बेटा लॉकडाउन का काफ़ी टाइम बीत चुका है और मेरे प्यारे बच्चे घर पे बैठे बैठे बहुत बोर भी हो गए होंगे। एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो चुका है, न्यू डेट आपकी 26 जुलाई है और मेरे बच्चे घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद बेटा आज मैं सोचा कि आज थोड़ा सा बच्चों से अपने बात करूँ, उन लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर करूँ। एक्चुअली बेटा इस समय जो कोरोना वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है, हम नहीं आप नहीं पूरा विश्व परेशान है। तो बेटा जिसको मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं, जो क्वेश्चन सबको परेशान कर रहा है उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको आता है, हमको नहीं आता है, वो दूसरे को आता है, उसके लिए परेशान रहो। लेकिन जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता उसके लिए हम वरी क्यों हो। तो इस समय बेटा पूरा विश्व परेशान है, सब लोग दिक्कत में हैं। हम सभी लोगों को आपस में एक कॉपरेशन की जरूरत है। सभी लोग बेटा घर में रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको बेटा आप लोग घर पे बैठ करके बार बार रिवाइज करते रहिए। कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेटा, उन टॉपिक के लिए आप जो भी टीचर हैं सभी लोगों के नंबर आपके पास हैं, उनसे आप कंसर्न करिए। कंसर्न करने के बाद उनको कॉल करिए। ज्यादा दिक्कत होती है बेटा तो अब धीरे धीरे मान लीजिए अगर लॉकडाउन हटता है तो आप आ करके टीचर से कंसर्न करके पूछ सकते हो। गवर्नमेंट का बेटा अभी तक तो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आया नहीं ऑफलाइन क्लास के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लास जितना भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा बेसिकली मैं आज आपको एक छोटी सी चीज बताने के लिए आया हूं कि कोरोना जो एक महामारी है, जो एक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे थोड़ा सा अगर हम लोग अवेयर रहें तो शायद अपने आप को बचा सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसे कुछ नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोरोना आया होगा और टच करके भाग गया होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे बेटा। तो आपको बेटा एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, और ये नुस्खा जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंटली है और हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं एक डॉक्टर इंद्रासन प्रजापति जो बनाया है और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बेटा काम किए हुए हैं। तो उन्होंने देखो बेटा क्या है, उन्होंने आज मुझे एक छोटा सा टिप्स बताया कि सर बच्चों को आप जरूर ये बताइए। बच्चे हैं जो घर में मम्मी पापा हैं, जो भी एजेड लोग हैं, सब लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा क्या, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है बेटा कि पहले सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप एक्सरसाइज जरूर करिए। और पानी, इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है बेटा, सभी लोग बहुत ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, तो कोशिश करिए बेटा ठंडा पानी ना पिए, गुनगुना पानी पीजिए और घर पे एक्सरसाइज करते रहिए। और घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बेटा मास्क जरूर यूज करिए। सभी लोग कहते हैं मास्क यूज करो, मास्क यूज करो। घर में पहुंचते हो हाथ को सैनिटाइज करो, हाथ को अच्छे से धुलो। और बहुत ज्यादा अगर लगता है आपको लोगों से कॉन्टेक्ट किया, घर पहुंचते हो एक बार नहा लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेटा प्रिकॉशन लेकर के हमको चलना है। वैसे बेटा ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस समय पूरा विश्व परेशान है, धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम एक ना एक दिन जरूर हटेगी और फिर से अपने वही लहराते हुए दिन वापस आएंगे। एक छोटा सा काम आप लोग चाहे बेटा तो घर पे जरूर करिए। और ये जो बेटा मैं एक आपको एक छोटा सा काढ़ा बनाने की तरीका बताने जा रहा हूं और इसको काफी लोगों ने बहुत इसको एक्सेप्ट किया और बहुत ही फायदेमंद चीज है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी शायद इसको फॉलो करें। बेटा बनाना कैसे है, बनाने के लिए बेटा बहुत ही आसान तरीका है इसका। आपको लेना है 2 कप पानी, 2 कप पानी लीजिए आप। अब कहेंगे कप छोटा हो या बड़ा हो, अरे भाई नॉर्मल कप होना चाहिए, किसी के घर कप इतना बड़ा तो होता नहीं होगा भाई, वो बाल्टी होती है, कप नहीं बोलते उसको। तो बेटा आपको 2 कप पानी लेना है और 2 कप पानी लेने के बाद आप एक छोटी सी 1 इंच की अदरक लीजिए और उस अदरक को कस लीजिए बढ़िया से, छोटी 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 बारीक पीस में उसको बन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च कितना होना चाहिए, सिर्फ 5 दाने लीजिए काली मिर्च के। हमने पहला अदरक लिया, दूसरा काली मिर्च लिया। काली मिर्च कितने होने चाहिए, 5 दाने होने चाहिए। और एक तेज पत्ता, सभी लोग जानते हैं ना नॉनवेज जो भी मसाले गर्म मसाले होते हैं ना उसमें तेज पत्ता आता है, एक तेज पत्ता। और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा,
थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और इलायची के दो दाने, इलायची के दो दाने, और उस इलायची के दानों को हो सके ना थोड़ा सा अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। फिर लौंग, लौंग तीन लौंग लेना है बेटा आपको, और फिर लास्ट में आपको लेना बेटा तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता आप जानते हैं बेटा बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होता है। 8 तुलसी के पत्ते लीजिए। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, 1 इंच अदरक, काली मिर्च के 5 दाने, तेज पत्ता 1, दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा सा, इलायची तोड़कर 2, लौंग 3, तुलसी का पत्ता 8, और इनको आपस में मिक्स कर दीजिए और इनको तब तक बॉयल करते रहिए जब तक कि आपका 2 कप वाटर रिड्यूस होकर के 1 कप में ना आ जाए। जब बेटा ये 1 कप में आ जाए तो आपका प्यारा सा काढ़ा जो है तैयार हो गया है, और इस काढ़े को बेटा सुबह और शाम लीजिए। थोड़ा सा आपको लगेगा बेटा ये बहुत अजीब टेस्ट हो रहा है, तो बेटा टेस्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से करने के लिए आप इसमें चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, पीने में अच्छा लगेगा। तो एक नींबू ले सकते हैं या फिर आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। और इस तरह से तैयार हो गया आपका काढ़ा, और इसको बेटा आप सवेरे और शाम जरूर लीजिए। इस समय बेटा देखिए बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन भी हो रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, तो इस समय बेटा फ्लू वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैंने जो ये काढ़ा बनाया बेटा, घर में आप इसको बनाइए और सभी लोग सुबह और शाम इसको लीजिए बेटा। ये आपकी इम्यूनिटी को बेटा बहुत ही स्ट्रांग करेगा और कोरोना आपके दूर दूर नजर नहीं आने वाला है। तो आप बेटा ये छोटा सा जो मैंने आपको बताया नुस्खा, ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राशन मैंने बताया, इन्होंने बताया है बेटा, और ये नुस्खा आप यूज करिए बेटा, नो डाउट यू विल बी बेनिफिटेड और कोरोना से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। मास्क लगा करके ही बेटा घर से बाहर निकलिएगा, किसी से भी बेटा कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को हमेशा ट्रीट करिए कि वो कोरोना में भी कोरोना ग्रसित हो सकता है। घर में रहिए, घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, और हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। घर में रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपने जो सपना देखा है, आपके माता पिता ने जो सपना देखा है, वो सपना जरूर साकार होगा और आप करेंगे वो सपना साकार, और हम लोग भी गर्व से कहेंगे ये गुरुकुल का विद्यार्थी है, गुरुकुल का छात्र है, जिसने आज अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है, अपने गुरु के सपने को साकार किया है। तो एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए बेटा, और आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लग जाइए, एक हो जाइए, और पूरी दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक करना, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, थोड़ा सा समय जो बचा हुआ है बेटा 26 जुलाई के पहले फुल यूटिलाइज करिए और दिखा दीजिए कितना दम है आपके अंदर, और आपको दिन रात एक करके आपको वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच गुरुकुल पाठशाला, मैं आपका सूरी सर, थैंक यू।